चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पुल है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा निश्चा कम है। 45 दिन के अराउंड जो है ये हो लिया टाइम इसमें, और अभी ये अनिश्चितकाल के लिए है, ये पता नहीं है कितना टाइम लगेगा इसमें। ये हमारे 4 ग्राम पंचायत है, इनके साथ 84 ग्राम पंचायत मिलती है, अगर दबाव होगा हम सबको साथ लेकर आएंगे। परीक्षा तो ले रही सरकार, परीक्षा ले लो, मेरी परीक्षा तो क्या डरे कोई, हम परीक्षा 1 बिन्ना 2 बिन्ना 6 बिन्ने ले लो, आगे वो फिर वो बिताओगे हम भी ले लेंगे परीक्षा, उनकी परीक्षा में कौन सा कौन टाइम लगे हमारा। फिर यही आपका धरना चला हुआ है काफी दिन से, क्या कहानी है थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे कहानी है। यहाँ जो हमारी पहली रोड थी गांव में जाने वाली, वो यहाँ से निश्चित कर दी, यहाँ पानी भरा गया, आने वाले समय में भी बहुत जल्दी में यहाँ चारों तरफ बस्ती होगी, वो पानी नीचे रहेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पुल है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा निश्चा कम है ऊपर से और यहाँ ना कोई भारी बस है शादी ब्याह की, या कोई मारी गन्ने की ट्राली है, ट्रक हैं गन्ने के, वो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इस मांग पे हम इसी शरत पे बैठे हैं, हमारा जो है पुल की ऊंचाई बढ़ जाए और यह सड़क पहले जैसी बन जाए जैसी पहले थी, क्योंकि यहाँ आसपास जितनी फोर लाइन निकल रही है टिटोली बुढ़ाना निंगर जितने आज चारों तरफ शामली के 50 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी किसी ने सड़क नहीं नीचे खोदी करी, नीचे नहीं करी। यामिन जी आप भी धरने में आए हैं, तो कितने गांव को जोड़ता है ये रास्ता? ये 30-40 गांव को जोड़ता है, फिर हाईवे से निकल जाता है, करनाल हाईवे जो है ना उस पे जाकर निकलता है ये। तो किस तरह की समस्या पैदा होगी अगर इस सुधार ना किया गया? पानी भरेगा यहाँ, पुल नीचे हो जाएगा ना, कोई बरात की गाड़ी आ पाओगी ना, ट्रोली जा पाएगी गन्ने की। तो कोई आप पे दबाव किसी तरह का आया हो? नहीं, कोई दबाव मानने वाले ही नहीं हम दबाव तो। ये हमारे 4 ग्राम पंचायत है, इनके साथ 84 ग्राम पंचायत मिलती है, अगर दबाव होगा हम सबको साथ ले आएंगे। कितने दिन हो गए धरने को अभी? कम से कम 45 दिन के अराउंड जो है ये हो लिया टाइम इसमें, और अभी ये अनिश्चितकाल के लिए है, ये पता नहीं है कितना टाइम लगेगा इसमें। और भी हाईवे बहुत सारे निकल रहे हैं, वहाँ भी क्या इस तरह की दिक्कतें हैं या यहीं पर? नहीं, यहीं दिक्कत है। हमारा जो दूसरा पुल है उसकी हाइट 5.5 फुट के अराउंड है, 5.5 मीटर के लगभग है, और इसकी यहाँ 4 फुट ही है, 4 मीटर इसकी जो है बहुत निचाई है, इसलिए हम जब तक जो है कम से कम 5.5 मीटर के अराउंड जब तक इसकी ऊंचाई नहीं होगी तब तक जो है ये तो एक मतलब कम से कम है। कल अगर किसी कारण से दोबारा सड़क बनती है, बनेगी तो यही, उसमें भी ये जो है 6 इंच 7 इंच या 1 फुट उठेगी, इसमें आगे का टाइम के देखते हुए, इसलिए हम ये चाहते हैं जितनी अधिक से अधिक पुल की ऊँचाई हो जाए उतना ही आगे आने वाले टाइम के लिए ठीक रहेगा। काफी लंबा समय हो गया धरने को, चल ही रहा है, तो किस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं, या जो रोड के जो अधिकारी आए उन्होंने आपको समझाया कि ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, कुछ फायदा कुछ बताया हो आपको आगे? समझाने के बारे में नहीं, मैं तो बताएगा क्यों करेगा कैसे करेगा, हमने तो दुनिया में धरन लगे थे, छप्पन लगे थे, हमने ही छप्पन नहीं दिया, मैं कहा भाई है नीचा इतना ही, हम इन्हें और नहीं देते, इतना तो हम ऊँचाई ले नहीं जाते इसकी। मैं फिर मैं रोज़ समझावा भी आएगा कहाँ जी भी करेंगे नहीं इसकी ऊँचाई पर करेंगे, यूँ पैसा सांसद आए थे, वह कहते नहीं भाई इसने ऊंचाई पे लेकर जाएंगे विभाग तो इसका पैसा भी आओगा, ये भी पता नहीं इसमें टाइम कितना लगेगा, वो मैं जाने कितना टाइम लगा कितना नहीं, लेकिन जितना टाइम लगेगा लग जाएगा, हम बैठे हैं यहाँ से।
परीक्षा तो ले रही सरकार, परीक्षा ले लो मेरी, परीक्षा तो क्या डरे कोई हम, परीक्षा एक बिन्ना दो बिन्ना छह बिन्ना ले लो, अगर वो फेरे वो बिताओगे हम भी ले लेंगे परीक्षा, उनकी परीक्षा में कौन सा कौन टाइम लगे हमारा, फिर लोकसभा चुनाव आ रहा, परीक्षा का आपका भी टाइम है। बिल्कुल हमारा भी तो है टाइम, हमारा भी टाइम है राजीव, हम भी परीक्षा लेंगे, जब वो मेरी ले रहे थे हम भी ले लेंगे उनकी परीक्षा। लगा दिन छिप लिया।